बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत अच्छी सी आपके लिए क्विक रेसिपी मैं लेके आई हूँ, जिसका नाम है कढ़ी पकोड़ा। ये देखिए, इसको बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। 1 कप के करीब आपके पास इसमें बेसन है मेरे पास। हल्दी चाहिए हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। इसमें धनिया चाहिए इसमें 2 टीस्पून के करीब, और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं इसमें हसबे ज़रूरत। वैसे मैंने 2 टेबल स्पून ली है, हसबे जायका। इसमें नमक जाएगा जो हम अभी पकौड़े बनाने के लिए इसका बैटर तैयार करेंगे। आएगी 1 छोटे साइज़ की प्याज पिसी हुई, और मैंने लिए आधे बॉल के करीब जो है वो दही है मेरे पास। और इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ये पकौड़ों के लिए मेरे पास बेसन है तकरीबन, ये भी मैंने तकरीबन 1 कप भर के लिया है। और पकौड़ों के लिए हमारे पास चाहिए हरा धनिया कटा हुआ, हसबे ज़रूरत हरा धनिया हो गया, प्याज छोटी है कटी हुई हो गई, और ये है हमारे पास भुना कुटा धनिया है मेरे पास, ये मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर। और ज़ीरा है 1 टीस्पून, हसबे जायका नमक है, और कुछ हरी मिर्चें हैं। 2 हरी मिर्चें मैं अभी पकौड़ों का बैटर तैयार करूँगी तो उसमें पीसूँगी। और ये चीज़ें भगार के लिए हैं हमारे पास, हसबे ज़रूर कड़ी पत्ता है, और चंद जो है वो साबुत गोल वाली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 टीस्पून, और लहसुन के जवे हैं, और कुकिंग ऑयल है जो हम अभी पकोड़ों में भी इस्तेमाल करेंगे, और जो है वो इसका बैटर बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे। ये मैंने ले लिया है एक पतीला, आपको मैं झटपट बता रही हूँ कि किस तरह से इसको करना है। ये मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है, ये देखें एक बॉल के करीब मेरे पास दही था। इसमें हसबे ज़रूरत में पानी डालूँगी थोड़ा सा, और ये जो है मेरे पास बेसन था ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और ये पिसी हुई प्याज थी ये शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको चला लूँगी बीटर से, ये देखिए बीटर मेरे पास है। थोड़ा सा हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। ये मेरे पास बैटर तैयार था, अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर दूंगी। इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें हसबे ज़रूरत, ये देखें इसको चलाती जाऊंगी। इसमें शामिल करूंगी ये हल्दी, इसमें ये शामिल करूंगी धनिया, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट में डाली हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इसमें गुठलियाँ ना पड़े, इतनी अच्छे से फेटना है इसको। अब मेरे पास ये अच्छे तरीके से फिट चुका है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है, बीटर भी चलाया है, कुछ हाथ से भी कर रही हूँ। बस ये देखें आपके सामने ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको जो है चूल्हे पर चढ़ा दूँगी, आइए बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास हमने चढ़ा दिया, मैं इसमें तकरीबन 1 बॉल के करीब और पानी शामिल करूँगी इस तरीके से, और इसको जो है वो हल्की आँच पर इतना चलाना है जब तक इस कड़ी में उबाल ना आ जाए। जब ये उबाल आ जाएगा इस कड़ी में, मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। इसके अंदर जब इसका उबाल आ जाएगा तो मैं इसको हल्की आँच पे छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ये पकती रहेगी हल्की आँच पे। और इसके बाद हम आपको आखिर में पकौड़े क्या बताएँगे, किस तरह से पकौड़े बनाने हैं और इसको किस तरह से बघार लगाना है, और आगे की आपको दिखाएँगे सर्विंग। अभी कढ़ी तो हमारी पकती है, तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। मैंने सोचा कि मैं पहले पकौड़े का बैटर तैयार कर लूं। बेसन है मेरे पास, मैं चुटकी भर जो है मैं खाने का सोडा आपको बताना भूल गई थी, चुटकी भर मैं जो है वो खाने का सोडा डालूंगी इसके अंदर। ये देखें
ये खाने का सोडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और ये जो मसाले हैं जो मैंने जिसमें आपको बताया था कि हरी मिर्चें, ये इसमें डाल देती हूँ, हरा धनिया और ये प्याज और ये कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून आप ये लीजिएगा, ये डालने से बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। इसमें डाल देती हूँ नमक और ज़ीरा, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हैंड वॉश हुए हैं मेरे अच्छी तरीके से, बेसन को गूंद लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बस, ये देखें पकोड़ों का बैटर तैयार है। आइए इसके बनाते हैं हम पकोड़े। ये देखिए पकोड़ों का बैटर तैयार है, और मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो हस्ब ज़रूरत पकोड़ों के लिए गरम करने रख दिया था। अब मैं इसमें एक एक करके कप पकोड़े डालूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मैं थोड़े नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। चाहे तो आप अपने चमचे से भी डाल सकते हैं, मैं कंफर्टेबल इधर ऐसे हाथ से होती हूँ, मैंने हाथ से डाल रही हूँ मैं इसलिए। ये तल रहे हैं अभी पकोड़े हम लोग। ये देखें पकोड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं अभी, मैं इसको जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाए मैं इसको मीडियम आंच पे जो है वो फ्राई करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अंदर से ऊपर से लाल हो जाए और अंदर से कच्चे रह जाए, ऐसा नहीं करेंगे हम। हम इसको हल्की आंच पे बनाएंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये गल जाए इसका जो बैटर है। हमें पकौड़े जो है थोड़े से क्रिस्पी करने हैं, क्योंकि बैटर में जाने के बाद कढ़ी के जो बैटर होता है वो वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। थोड़े से हम ज़रा ब्राउन करेंगे इसको, अच्छे तरीके से फिर इसमें डालेंगे। ये देखें कलर देखें आप, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है पकौड़ों का। ये पकौड़े बिल्कुल तैयार है तलने के बाद। अब मैं जो है वो कढ़ी भी मेरे पास रेडी है, मैं इसमें पकौड़े शामिल कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ कढ़ी का, दबा देंगे हल्का सा ऐसे करके ताकि जो है अच्छी तरह से जो है इसमें अंदर से जब्ज हो जाए पकौड़ों के अंदर कढ़ी का बैटर, और उसको छोड़ देंगे ये खुद ही अपने अंदर जो है वो जब्ज कर लेगी। अब हम बताते हैं इसका भगार। ये तैयार, 1 घंटा पौने 2 घंटे मेरे पास कढ़ी पकी है, फिर मैं पकौड़े शामिल कर दिए। आपके पास टाइम है तो उसको 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी हल्के आंच पे छोड़ के पका सकते हैं आप, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। अब हम बघार तैयार कर रहे हैं इसका। पहले मैं डालूंगी ये मिर्चे गोल वाली, इसी मैंने इसी तेल में जो इसमें मैंने पकौड़े तले थे उसी में मैंने मिर्चे डाल दी है। मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, ये देखें ये शामिल कर दूंगी, ये 2 हरी मिर्चे बघार में खुशबू के लिए, और ये लहसुन कटा हुआ। हल्का लहसुन जो है वो हो चुका है बघार का, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये जीरा। ये बघार हमारे पास रेडी हो रहा है, बस 1-2 मिनट में इसको फ्राई करने के बाद पकौड़ों में मैं शामिल कर दूंगी बघार इसका। बहुत ज़्यादा नहीं काला करना लहसुन को, ये देखिए बघार मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये देखिए इसमें ला रही हूँ। इसको मैं ढक देती हूँ, अब हम उसको उसकी सर्विंग दिखाएंगे आपको बिल्कुल कर। ये देखिए गरम गरम कढ़ी जो है बिल्कुल तैयार है,
अब हम आपको इसकी सर्विंग दिखाएंगे।